इंडिया कोई आइडियोलॉजी नहीं है अगर वो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहता है तो साथ बैठ के भी तो काम हो सकता है क्यों नहीं? अच्छा इमरान की जहां तक शख्सियत का ताल्लुक है उसके बड़े परस्पेक्टिव हैं एक उसकी जाती हैसियत है जाती स्टार है वो उसको अल्लाह ने एक स्टार दिया हुआ है इसके साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता इस स्टार के साथ ठीक है वो स्टार रहा अपनी शख्सियत और अपने कद काट और अपने स्मार्टनेस की वजह से और फिर वो स्पोर्ट्स में रहा फिर स्पोर्ट्स में वो एक बहुत मकाम तक अल्लाह ताला ने उसको पहुंचाया फिर उसने एक और चीज़ दी और यानी कैरिज्मा उसका बहुत ज़्यादा था तलस्माती लीडर था लीडर तो मैं नहीं कहूँगा उस वक्त तो लीडर नहीं था तलस्माती शख्स था लोग उसकी तिलस्म में आ जाते थे उसकी जादुई जो शख्सियत है उसके गर्विदा हो जाते हैं लोग ठीक है और आपका साथ रहा है वो। मेरा साथ रहा है मैं उसी तो पर भी आऊंगा मैं दो हजार पाँच छः की बात बता रहा हूं आपको और ये इमरान तक अगर ये पहुंच जाए वीडियो तो मैं उसको आज भी याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने इसको उस वक्त भी कुछ मशवरे दिए थे और अगर वो मशवरे उसको याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूं इमरान को और अगर आज भी ये इमरान उस वक्त के मेरे मशवरों पे अमल कर लेता प्लस माइनस करके तो मेरा ख्याल है आज उसको ये दिन ना देखने पड़ते इमरान से कुछ गलतियाँ बहुत ज्यादा बुनियादी गलतियाँ हुई हैं क्यों जब इमरान की शख्सियत का हम तलस्माती जायजा लेते हैं तो मैंने कहा ही डज नॉट हैव a मैच लेकिन अगर हम इमरान की शख्सियत का इंसानी जायजा लें और इखलाकी जायजा लें तो इमरान में बहुत फ्लॉज है इंसान गलतियों से बना होता है इखलाकी तौर ये बंदा ऐसा आदमी है कि मैंने जब इसके साथ टाइम गुजारा मैंने इसको वो अमाउंट तो याद नहीं करनी चाहिए अगर आप कहते हैं बता देता हूँ वो अमाउंट भी मैंने तो एहसान नहीं किया लेकिन जलजला जदगान के लिए मेरे नाना ने पंद्रह लाख रुपए दिए 2005 का जब जलजला आया था तो हम पर्सनली इससे मुलाकात करने गए थे मेरे व्यूज़ सुन के इसने मुझे कहा कि तुम तो मुझे बलूचिस्तान से ज्वाइन करो ठीक है फिर इसने वहां प्रोवेंशियल प्रेसिडेंट से मेरी बात कराई और मैंने इसकी पार्टी को ज्वाइन किया 2005 में अब जब मैंने इसकी पार्टी का नोक पलक देखी क्योंकि इमरान तो उस वक्त एक सीट थी इसके पास मैंने जब इसको सुना टीवी टॉक शोज में तो मुझे यह लगा हर टीवी टॉक शो में यह था हर टीवी टॉक शो में यह था मेरे दिमाग में कहीं आया कि यार इतना ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए क्योंकि साफ बात करना एक दफा आप एक मरतबा एक चीज के लिए साफ बात कर दो वो ग्रेस रहती है आप रिपीटेडली एक ही बात को घिसा पिटा के कर रहे हो तो वो लोग आपको सुन के यार ये बंदा तो फलाना फलाना बात करेगा ऑटोमेटिक सी बात अब कीपिंग इन माइंड दिस थिंग कि वो शायद इसलिए कर रहा हो कि लोगों का माइंड इस पर बना दे कि इतना नॉक करे कि वो लोगों के दिमाग में आ जाए वो मैं नहीं जान समझता हूं कि वो इसके दिमाग में ये था इसकी जो इखलाकी कमज़ोरी थी इमरान की मिलने मिलाने के हिसाब से वो ये थी कि ये अपने सामने वाले बैठे चाहे वो किसी भी अहदे का शख्स हो मैं मर्दों की बात कर रहा हूँ चाहे वो किसी भी इंटरनेशनल फेम का शख्स हो इमरान के लिए उस शख्स की हैसियत इसके जस्चर से इस कप चाय के कप से ज़्यादा नहीं ठीक है मैं जब इसको मशवरे देता था मैंने इसको मशवरा दिया मैंने कहा खान साहब आप एक मेहरबानी करें आप अपना एटीट्यूड चेंज करें इसको ये बात बुरी लगी क्योंकि मैं इसके सामने तो एक नाली का कीड़ा भी नहीं था यह एक वर्ल्ड फेम शख्सियत फिर शौकत खानम फिर जनाब अली तहरीक इंसाफ तो 2005-6 की बात थी तो मैंने जब इनको ये मशवरा दिया उसने आई गई कर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं जाता सियासत में बाचात के दौर में लोग जाते होंगे या खिलाफत के दौर में बेशक लोग जाते होंगे आज हम हमें इस एक चीज़ से निकलना होगा हम बात हजरत उमर रज तुम की करते हैं कुर्बान जाऊं और हम इस्लामी जमूर पाकिस्तान में रहते हैं इस्लाम और जमूर का तो दूर दूर तक ताल्लुक़ ही नहीं है इस्लाम और जमूर का जो आपस में एक ताल्लुक बनता है वो सिर्फ ये है शराइयत का कि शुरा होगी शुरा में से दस में से छह साहेब राय लोग अगर एक साइड पे हैं और चार दूसरे साइड पे हैं तो ये मेजॉरिटी है दिस इज कंसिडर्ड टू बी एन अथॉरिटी वो अलमा कहते हैं ना कि जमहूरियत एक तर्ज अमल है कि जिसमें मगरब वाली बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते बंदों के सर गिने जाते हैं यहां यहां बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स का वोट और एक बिल्कुल ही जाहिल आदमी का वोट जो किसके पास ना विजडम हो ना पढ़ा लिखा हो दोनों वोट की कदर कीमत तो दोनों की एक ही है ना हाँ तो मैंने इसको यह कहा मैंने कहा खान साहब मेहरबानी करो अपने सारे सियासी दरवाजे बंद ना करो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रेशर वेल्व लीकेज कहीं लूप कहीं खिड़की खुला डायलॉग की खिड़कियां खुली छोड़ा करो इससे यह बात भी बुरी लगी क्योंकि वो ये मुझे जवाब तो दे रहा था बातों के लेकिन इसने बाद में बाकायदा फीडबैक में कहा हमारे जो वहां बलुचि के सूबाई सदर थे उनसे कहा कि ये जायद अपने आप को समझता क्या है दीज वर हिज वर्ड्स फॉर मी हालांकि पैसा भी मैंने दिया दफ्तर भी इनका मैंने बनाया मैं वो सारी निशानियां देने के लिए तैयार हूं मैंने इनको एयरपोर्ट से रिसीव किया ये मेरे साथ आगे बैठे हुए थे गाड़ी में और आप यकीन कीजिए कि उस दिन जो हमने 200-400 लोग इकट्ठे किए थे खान साहब की आमद के लिए ये तो अब इसने थोड़ा सा सीख लिया है कि लोगों को थोड़ा वेव कर देता है बिलीव यू मी ही सेट इन माई कार इसने अखबार खोला और अखबार का जो ये सामने वाला पेज है उससे आगे वालों से छुप गया और जो लेफ्ट साइड है इससे साइड वालों से छुप गया तो लोग जो है वो कह रहे हैं मुस्तबिल का हुक्मरान इमरान खान इमरान खान ठीक है ये क्या कर रहा था इसने अखबार पढ़ना शुरू कर दिया मैंने इसको कहा खान साहब लिटरेरी सोसाइटी में अखबार मोबाइल टेलीविजन और किताब दीज आर कॉल्ड डेड फ्रेंड्स पढ़ी लिखी सोसाइटी में दीज आर कॉल्ड डेड फ्रेंड्स ठीक है जब इंसान सामने ना हो तब आप ये चीजें उठा के इसको फ्रेंड बना लेते हैं कि यार स्पोर्ट्स का सफा पढ़ना भूल गया था तो मैंने कहा जो हम इतने लोग लाए इनका क्या होगा लेकिन इनको मेरी ये बातें अच्छी नहीं लगी बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी कि ये अब कहां से उठ के आया हुआ तो इस तरह जो इनको बड़े अच्छे अच्छे लोगों ने ज्वाइन किया आपने देखा होगा जस्टिस वजीउद्दीन ने ज्वाइन किया छोड़ गया एडमिरल साहब थे कोई वो शुरू से ज्वाइन किया हुआ था उन्होंने छोड़ दिया बहुत से लोगों ने छोड़ दिया इनको ये जो सिटिंग प्रेजिडेंट हैं आरिफ गालिबन यही भी आए हुए थे इनके साथ और या कोई और थे एडमिरल थे कौन थे उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आप ये बात करते हैं उस वक्त से आप खान साहब पे सवाल कर रहे हैं कि आप 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 तो क्या जाहिद आप हम में से नहीं हैं मैंने कहा अगर आप लोग इस तरह हैं तो मैं आप में से नहीं हूँ